वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिर, नाजिया, रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है टेस्ला कार्स इलोन मस्क इंडियाज विजिट पाकिस्तानी गर्ल रिएक्शन वीडियो, और इनके चैनल का नेम है SDS ब्रांड। सो आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत है। कैसे 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 इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत है, और वहाँ पे सब काम ज़्यादा अच्छा होता है। और क्या लगता है, वहाँ के बिजनेस अच्छे हैं, और यहाँ पे जो पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान है, यहाँ पे यहाँ के लोगों का और वहाँ के लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है, तब कि यहाँ के लोग अजीब से हैं, वहाँ के लोग सही होते होंगे। क्या बात कर रही हो, कैसे अजीब से है? नहीं मतलब थोड़ा सा मतलब होता है ना, अगर वहाँ पे बिजनेस वगैरह अच्छे होते होंगे इसलिए वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे। हम यहाँ पे ये भी बात नहीं है कि हम करप्ट हैं, और क्या बात है, ईमानदार है हम, ऑनेस्ट है हम। हाँ ये भी है, ऑनेस्ट है यहाँ भी। जरूर क्या देखने आएंगे वो, यहाँ क्या करने आएंगे आप बता दें। यहाँ जो उनका दिल चाहता है, जो उनका दिल चाहता है क्या देखेंगे यहाँ, कौन सी तरक्की है यहाँ जो देखेंगे, या कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? यहाँ पे कोई वैसे इतना है तो नहीं जहाँ पे वो इन्वेस्ट करेंगे, तो लिहाजा अगर पाकिस्तान वालों को इंडिया ज़्यादा बेटर लगता है तो उनको चाहिए कि वो वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करें। अच्छा जी, आज इंडिया हमसे तरक्की में क्यों इतना आगे निकल गया? क्योंकि वहाँ के लोग होनेस्ट हैं, मतलब होनेस्ट हैं, और वहाँ के लोग आप ईमानदार हैं, और वहाँ के लोग आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। पाकिस्तान में कितनी तरक्की आपको दिखती है, आपको कितनी दिखती है? 40% में क्या क्या दिखता है? मतलब जो अब जैसे कि जिसकी हुकूमत, जिनकी हुकूमत आई है, उन्होंने बीच में कोई बहुत सारी चीज़ें अच्छी की हैं, जैसे अब जैसे नवाज शरीफ ने अब इस्लामाबाद में वो बनाए हैं, पुल मेट्रोन बस सर्विस चलाई है यहाँ पे। और मुझे ये बताएं इधर आए, कब तक सड़कें बनाते रहेंगे, कब तक सिर्फ मेट्रो चलाते रहेंगे, तालीम पर कब हम फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजी पर कब हम फोकस करेंगे, ये बताएं। ये तो दस ना ये तो अब आगे से जो यानी कि आएंगे हुक्मरान उन्हीं को ही देखना पड़ेगा ना। आपको कितनी तरक्की नजर आती है पाकिस्तान में? मुझे तो पूरी 50 भी नहीं आती। 50 भी नहीं आती? नहीं। क्यों? ये जिस तरह के हालात जा रहे हैं ये तो सबको ही नजर आ रहा है। क्या जा रहे हैं बताएं? यानी कि एक तो महंगाई बहुत है, और दूसरा यहाँ पे सड़कें या पुल बनाने के अलावा और कोई तरक्की है ही नहीं। और कोई तरक्की नहीं है, हर घर के ऊपर सड़क बनेगी। जी यही बात है। टेक्नोलॉजी में हम कहाँ हैं, बिजनेस में हम कहाँ हैं, कि दुनिया हमारी तरफ भी आए, कहाँ हैं हम? यानी कि यहाँ पे बस। हाँ जी, क्या हो गया? नहीं आपने क्या पूछा था? मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी में कहाँ हैं हम, तालीम में कहाँ हैं हम? कुछ ज्यादा आगे नहीं है। ज्यादा आगे नहीं है? ज्यादा आगे नहीं है। आपको क्या लगता है बेटा, पाकिस्तान में आपको कितने परसेंट तरक्की नजर आती है? 10% 10% 10% में क्या नजर आता है? बस यही कि यहाँ पे रोड्स बनती हैं, और यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है, और टेक्नोलॉजीज की आप बात कर रही थी वो तो पाकिस्तान सबसे पीछे है, क्योंकि यहाँ पे सड़कों के अलावा और कोई काम किया ही नहीं जाता, इतनी महंगाई हो गई, गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। और रही बात तालीम की, तो तालीम की तरफ तो पाकिस्तान तवज्जो दे रही नहीं है। और तालीम की बात, वो तो तालीम में भी पाकिस्तान इंडिया से काफी पीछे है, बहुत पीछे। यह तो बात सच है जी। क्या लगता है कभी उनके जितना फेम हम हासिल कर पाएंगे? दुनिया की नामवर शख्सियत पाकिस्तान में आना नहीं चाहती है, क्या कहते हो? दुनिया की नामवर शख्सियत जो है, बड़ी बड़ी, जिनका बिजनेस में नाम है, टेक्नोलॉजी में नाम है, वो आना नहीं चाहती यहाँ, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो होनेस्टी से काम नहीं करते। यहाँ के लोग आपस में मतलब जैसे होते हैं, जैसे इंडिया में जैसे लोग ईमानदार हैं वैसे यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। कोई इंडिया का मवाजना मुकाबला कर सकते हैं? अगर हम लोग कोशिश करें तो हम कर सकते हैं, अगर हम कोशिश नहीं करें तो अच्छे हो जाए तो भी कर सकते हैं। नहीं अभी तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो यहाँ पे लोग ईमानदार ही नहीं है,
और वहाँ पे लोग ईमानदाना है, अपना काम अच्छे से करते हैं। यहाँ पे तो जिसको देखो रिश्वत ही ले रहा होता है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, रिश्वत लेते हैं यहाँ जी। हाँ, इसी से देखो रिश्वत मांग रहा होता है, जिससे देखो तो वही पैसे पे पीछे लालच कर रहा था। वहाँ पे लोग लालच तो नहीं ना करते, इसलिए वो फिर इंडिया हमसे आगे। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और इन जो ये एंकर है ना, इनके साथ हमें हमेशा से ही जो है ना कोई मसला रहता है। और इस दफा तो है ना वो मुझे पूरी वीडियो के दौरान गुस्सा ही आई जा रहा था। मतलब आपको स्टार्ट से पता चल गया है कि बच्चे हैं आप, एक तो बच्चों का इंटरव्यू कर रहे हो, या तो फिर उनको पहले जिस तरह से पहले बाकी लोगों को सिखा देते हो उनको भी थोड़ा कुछ सिखा दो कि उनको बोलना आ जाए। जब एक दो क्वेश्चन के बाद आपको पता चल गया है कि बच्चे हैं वो नहीं कुछ, और किसी भी इनके जवाब से मैं सेटिस्फाई नहीं थी। ऑब्वियसली वो बच्चे और बच्चों वाले आंसर कर रहे थे, उनको नहीं अभी इतना नॉलेज था। तो आप उनसे बार बार ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो और फिर बाद में आप रुक भी रहे हो, वेट भी कर रहे हो कि उनके आंसर का, तो मतलब कि आप क्या चाह रहे हो कि लोगों को आप वाकई दिखाना चाह रहे हो कि ये है एजुकेशन पाकिस्तान की और ये है पाकिस्तान के बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं है। मतलब आप यार क्या, मतलब मुझे बिल्कुल ये वीडियो अच्छी नहीं लगी। टॉपिक इनका अच्छा था कि जो इलोन मस्क है उनका विजिट है इंडिया में, मतलब लेटेस्ट इन्होंने टाइटल तो उठा लिया लेकिन अंदर जो वीडियो में था ना इनके कुछ भी नहीं था। मतलब मुझे ये नहीं समझ आया कि बच्चों से इंटरव्यू लेने का क्या मकसद था, और वो भी बच्चों को हम लोग क्या उनको फीड क्या उनके दिमाग में कर रहे हैं कि इंडिया के साथ हमने मुकाबला करना है, इंडिया वहां चला गया तो पाकिस्तान पीछे है, इंडिया फलां हो गया तो पाकिस्तान यहाँ पे है। मतलब बच्चों से आपको अपने मुल्क से रिलेटेड ही क्वेश्चन करने चाहिए और उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग अपने मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान यही हो रहा हो। तो अभी इस वीडियो में यही था, इंडिया फलां चला गया, पाकिस्तान अभी 10% है। बच्चों के मुंह से भी आप लोग इस तरह की बातें नहीं करवा रहे हो कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस इतनी है तो पाकिस्तान इतना पीछे रह गया, तो सिर्फ हमारे जो वजीर आजम है, ये जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ सड़कें बना रही है टेक्नोलॉजी की तरफ। यार उनका वो उनका फ्यूचर है यहाँ पर, वो उनको आप वो करो, मोटिवेट करो ना कि डीमोटिवेट करो, उनको हौसला दो कि नहीं आज नहीं तो कल आपका भी बेटर फ्यूचर होगा। या ये आप उनको अभी से नहीं, हम तो मुकाबला कर ही नहीं सकते, हम तो मुवाजना जब कर ही नहीं सकते तो फिर कर क्यों रही हो, आप पूछ क्यों रही हो, आपका टॉपिक भी हर रोज यही होता है, फिर आप ये भी बोल रही हो कि नहीं हम नहीं कर सकते। जहां तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, जाहिर सी बात है जैसे ये बात करी थी कि यहाँ पर कोई क्यों नहीं आता, यहाँ पर कोई क्यों नहीं इन्वेस्ट करता, तो ऑब्वियसली इंडिया की जो है इकोनॉमी कहाँ पहुंची हुई है अब, और सब लोग जाहिर सी बात है हर मुल्क के जितने भी बिजनेसमैन है या जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बड़े बड़े लोग हैं वो वहां पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगती कि वहां पर एप्पल की मैन्युफैक्चराइजिंग कंपनी बिल्ट हो रही है, या वहां पर जो है वो टेस्ला की हो रही है, या इलन मस्क वहां पर आ रहा है, या किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट वहां पर जा रहा है इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में, तो इसमें कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगती है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है उनकी मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी हुई है कि लोग वहां पर जाएं इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वही लोग वहां पर जाएंगे जिनको फायदा होगा। यहां पर आकर यहां का पैसा इतना गिरा हुआ है तो लोग यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट क्या करें, यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें फायदा होगा, उनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी करेंसी डाउन है, उनकी करेंसी डाउन नहीं है, उनको तो बल्कि वो जितने पैसे यहाँ पर लगाएंगे ना उनके मेरे ख्याल से बर्बाद ही हैं, क्योंकि यहाँ की करेंसी इतनी डाउन हो चुकी है। हमें फायदा है, हम जो है वो कहेंगे लोगों को कि आओ, लोग यहाँ पर नहीं आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं है, और आते वही है जिनको फायदा होता है। इंडिया में भी वही लोग जा रहे हैं जिनको फायदा मिल रहा है वहां से, अगर फायदा ना मिलता तो इंडिया कोई उनको रिश्वत नहीं देता कि हमारे पास आओ या हमारे पास आओ। जहां तक ईमानदारी, खैर ये बच्चों की बातें थी, इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। बिल्कुल अच्छा, यहाँ पे हम बहुत सारी वीडियो में बात कर चुके हैं कि बहुत सारी इनकी वीडियोस भी देखते हैं या दूसरे चैनल्स की भी हम देखते हैं ना, तो वो यही इंडिया पाकिस्तान का ही कंपैरिजन चल रहा होता है, इसके बगैर इनके व्यूज भी नहीं ना आते। तो हम कई दफा बात कर चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान का हम लोगों का कंपैरिजन किसी तरीके से भी नहीं बनता। एक तो आबादी के लिहाज से भी, हर लिहाज से, आप एजुकेशन के लिहाज से, किसी भी लिहाज से देख लो ना, हमारा उनके साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के ले आते हैं कि इंडिया में ये हो गया तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हुआ। पाकिस्तान भी लगा हुआ, जहां तक रोड्स की बात है, उस टाइम पाकिस्तान में रोड्स के अगर अभी अभी आप लात लगा लो ना तो काफी बेहतर हो चुके हैं। जब तक ये बताते कि नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाया या मेट्रो वगैरह बनाई, उस टाइम उस चीज की भी जरूरत थी, मोटरवे की बहुत अशद जरूरत थी या मेट्रो की बहुत जरूरत थी। जैसे अभी लाहौर में ऑरेंज लाइन चल रही है या जगह जगह पे अब मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, तो लोगों की आसानी के लिए है। हर काम जो होता है वो आसानी के लिए होता है। अब ऐसा ऐसा ही मुल्क तरक्की करेगा ना, ये नहीं कि एकदम ही, जैसे अगर अभी पाकिस्तान है तो वो इंडिया के मुकाबले में फौरन आ जाए। हर चीज को जो है वो वक्त लगता है। ठीक है, पाकिस्तान के हालात इस टाइम जो है वो अच्छे नहीं है। अगर आप अपना बिजनेस भी लगाने का सोचो ना तो आपको 100 दफा सोचना पड़ता है कि यार अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें आपको ये सोचना पड़ता है कि यार मैं अगर कोई अपना बिजनेस भी स्टार्ट करूंगा तो मुझे इस पर कितना ज्यादा टाइम लगेगा जो है, मतलब ये एस्टेब्लिश हो या थोड़ा स्टेबल हो। तो अगर बाहर से कंपनीज आ रही है, जाहिर बात है वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है,
वो कुछ ना कुछ देख के करेंगे कि अगर हम यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उससे हमें क्या फायदा होगा। पाकिस्तान की करेंसी नो डाउट बहुत नीचे चली गई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जहाँ पे उनको फायदा नजर आएगा वो वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं भी होंगी तो मैं भी अपना पैसा जारी पता जाया नहीं करूंगी कि ऐसी जगह पे लगा के जहाँ पे मुझे नुकसान ही नुकसान होगा, फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जैसे कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तरक्की करेगा कि नहीं करेगा, लाजमी करेगा, क्यों नहीं करेगा। पाकिस्तान के मैं कहती हूँ जितनी कौम पाकिस्तान की आवाम जो है वो टैलेंटेड है इतनी शायद कोई, बस ये कि हम लोगों को अभी मौके नहीं मिल रहे। अगर मौके मिले अच्छे तो पाकिस्तानी कौम भी जो है वो किसी से पीछे नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जो है वो इंडिया के मुकाबले में, मैं कहकर इंडिया के चलो बराबर ही आ जाए, मुकाबले में आने की हमें जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान भी जो है वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।